Hello everyone, my name is Veena Malviya and welcome back to my channel. If you are new on my channel, then don't forget to subscribe to my channel and like my videos. So this is the second video of the week जिसमें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेरे वो आउटफिट जो मैंने खुद से स्टिच किए हैं. कुछ के मैंने वीडियोस बनाए हैं, किसी के वीडियोस नहीं बनाए हैं, वो मैं आपके साथ में सारे शेयर करूंगी. और अगर आपने मेरे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोज नहीं देखे तो मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, नंबर वन वाला जो आउटफिट है वो मैंने रीसाइकिल किया है फ्रॉम ओल्ड वाइड लाइक पैंट. अगर आपके पास में ये पैंट है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल हॉल्टर नेक ड्रेस में. और ब्लैक वाला ये इसका सेकेंड ऑप्शन है. नंबर मैंने डिज़ाइन किया है नेट का ये स्कर्ट. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा ईजी है इसको घर पर बनाना. इसको आप स्टाइल कर सकते हैं एक लॉन्ग टॉप के साथ में या फिर अपने एक मिनी ड्रेस के साथ में आप इसको स्टाइल कर सकते हैं. सो इस पिक्चर में मैंने लहंगे के साथ में कुर्ती एंड जैकेट स्टाइल किया है एंड ये मुझे इंस्पिरेशन मिली दीवानी मस्तानी से. सो मैंने यहाँ पे सारी ब्राइट कलर्स लिए हैं और मैंने एक कॉन्ट्रास्ट कलर लिया है, वो येलो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है. अगर गाइस आपको भी मिक्स एंड मैच करना है तो आप इसी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. मेक श्योर आप इसके साथ में कुछ और ट्राई करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. नंबर फिफ्थ वाली जो पिक्चर है इसमें ये जो फैब्रिक है वो ग्लिटर फैब्रिक है जिसका कॉन्ट्रास्ट कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. डिस्को पार्टी के लिए सबसे बेस्ट है. तो इसको मैंने बनाया था मेरी फेयरवेल पार्टी के लिए और इसका मैंने वीडियो यूट्यूब पे नहीं दिया लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है. नंबर सिक्स वाले आउटफिट में मैंने एक टीयर कट ट्रांसपेरेंट नेट का एक टॉप बनाया है जिसको मैंने स्टाइल किया है एक ट्यूब टॉप के साथ में और डेनिम शॉर्ट के साथ में. नंबर सेवन्थ वाला जो आउटफिट है वो मैंने इंस्पायर्ड बाय समंता अक्कीनेनी से बनाया है. इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाया है. इस ड्रेस का पूरा ट्यूटोरियल मैंने यूट्यूब पे दे दिया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप वहाँ जाके वीडियो पूरा देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो. नंबर एट वाला आउटफिट ये मेरा सबसे फेवरेट आउटफिट है जिसको मैंने एक ट्यूब टॉप से कन्वर्ट किया है एक टॉप में जिसमें मैंने स्लीव सिर्फ नेट की स्लीव ही ऐड की है और आप इसका कम्प्लीटली लुक चेंज कर सकते हैं एक ट्यूब टॉप. सो नंबर नाइन वाला जो आउटफिट है इसका मैंने ट्यूब टॉप का जो ट्यूटोरियल है वो मैंने आपके साथ में यूट्यूब पे शेयर किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. इसका जो पैंट है वो डेनिम, वो भी मैंने खुद से स्टिच किया है. इसका जो डेनिम है वो कुर्ती में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. इसका जो डेनिम फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है कंपेयर टू द जींस. सो नंबर टेंथ वाला जो आउटफिट है वो मैंने बनाया था ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, जब मेरे पास कुछ भी नहीं करने को था तब मैंने ये आउटफिट बनाया था. ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आप इसको रेट्रो स्टाइल में भी स्टाइल कर सकते हैं और इसका जो फैब्रिक है आप इसको समर में पहन सकते हैं बिकॉज ये कॉटन बेस्ड रेयन फैब्रिक है. सो आप इसी तरीके आउटफिट आप अपने लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं. नंबर इलेवंथ वाला ये भी मैंने लॉकडाउन पीरियड में एक पूरी पूरा एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैंने ये सारे आउटफिट लॉकडाउन पीरियड में स्टिच किए हैं. नंबर 12 पे ये जो ड्रेस है वो मैंने पूल पार्टी के लिए बनाई थी और समर के लिए एकदम परफेक्ट है. इसका कलर बहुत ही अच्छा है एंड फैब्रिक इसका रेयन है. एंड 13 में मैंने क्लॉट पैंट बनाया था. इसका मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था. सो अगर आपने नहीं देखा है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको घर पे बनाना. इसका भी फैब्रिक रेयन है. अगर आप समर के लिए बना रहे तो मेक श्योर आप इसका फैब्रिक कॉटन बेस्ड फैब्रिक लें. नंबर 14 पे ये मैंने वाइड लेग पैंट बनाए थे, वो मैंने खुद से स्टिच किए थे. काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं वाइड लेग पैंट. एक मैंने रेयन में बनाया, एक मैंने फ्लोरल प्रिंट सैटिन फैब्रिक में बनाया है. दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं लेकिन आप इसको सीज़न के अकॉर्डिंग पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा. सो नंबर 15 वाले पे मैंने जो दो स्कर्ट बनाए हैं इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाया है जिसमें से मैंने एक बॉक्स स्कर्ट बनाया है और एक मैंने बनाया है बॉक्स प्रिंट स्कर्ट. नंबर 16 ये वाला जो आउटफिट मैंने बनाया था वो मैंने एक मेरे फैशन शो के लिए बनाया था जिसको ये पूरा मैंने ड्रेप करके बनाया है और इसमें सिर्फ मैंने स्लीव स्टिच किए, बाकी पूरा हैंड स्टिच है ये आउटफिट. नंबर 17 पे मैंने ये पोल्का डॉट का मैंने अम्ब्रेला स्कर्ट बनाया जिसमें मैंने वेस्ट पे इलास्टिक नंबर वाला इलास्टिक मैंने यूज़ किया है इसमें. और ये वाला जो आउटफिट है ये मैंने मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, इसका भी मैंने वीडियो यूट्यूब पे बना दिया है. नंबर 19 इसका वीडियो मैंने अभी ईद पे अपलोड किया था जिसको मैंने लास्ट दिवाली पे मैंने बनाया था शरारा.
मैंने इसको फॉइल प्रिंट करवाया था रेयन फैब्रिक पे, जिसको मैंने पहले स्टाइल किया था दुपट्टे के साथ में, ब्रोकेट दुपट्टा। 20 नंबर पे ये मैंने एक चिकनकारी की कुर्ती बनाई थी अपने लिए, और 21 पे मैंने ये स्कर्ट बनाया था, कलीदार स्कर्ट, और ऊपर का मैंने जो शर्ट बनाया था वो रेयन में। 22 नंबर वाली पिक्चर का जो मैंने वीडियो है वो YouTube पे बनाया है, साड़ी का फुल ट्यूटोरियल मैंने बताया है, और उसमें मैंने ये बताया कि आप साड़ी कैसे घर पे बना सकते हैं और बेल्ट आप कैसे घर पे बना सकते हैं। सो फैब्रिक का बता दो, फैब्रिक इसमें मैंने मसलिन सिल्क लिया है और इसकी प्रिंट है वो फॉइल प्रिंट है, साड़ी बीच में से जॉइंट है जिसको मैंने हाफ प्रिंट करवाया था। 23 वाले पिक्चर में मैंने बनाया है एक प्लीटेड लहंगा जो मैंने बनाया था एक ओल्ड साड़ी से। गाइस अगर आपके पास में भी ओल्ड साड़ी है आप उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और उसका आप बना सकते हैं एक ब्यूटीफुल लॉन्ग स्कर्ट। सो मेक श्योर आप इसको ज़रूर देखें मेरा वीडियो। नंबर 24 वाला जो पिक्चर है इस पर मैंने ये पूरा स्टिच किया है, लेकिन मैंने इसका वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, स्टाइलिंग टिप्स हाउ टू हाइड बेली फैट इन द लहंगा। गाइस अगर आपको स्टाइलिंग टिप्स ज़्यादा पसंद है, अगर आप भी इस तरह की स्टाइलिंग टिप्स चाहते तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप दुपट्टा और लहंगा कैसे स्टाइल कर सकते हैं। 25 वाली जो पिक्चर है ये आउटफिट मैंने बनाया था इंस्पायर्ड बाय दीपिका पादुकोण, और दीपिका पादुकोण ने जो आउटफिट पहना था उस ब्रांड का नाम था रॉ मैंगो। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। अगर आपको कोई आउटफिट पसंद आता है तो आप इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका फुल वीडियो मिल जाएगा।